नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.4 प्रश्न नंबर 6। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ कराने में रुपए 100 प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। सीधी सी बच्चों बात है, क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन आपने जो समझना है वो ये कि एक आयताकार भूखंड है जिस पर विद्यालय यानी स्कूल बनना है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 11:4 है। तो सबसे जो पहला काम है वो यही है। मान लो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में 11:4, तो लंबाई मान लेते हैं 11x और चौड़ाई मान लेते हैं 4x, ठीक है जी। साथ में मीटर, क्योंकि मीटर में है, इसके जो विमाएं हैं हमें मीटर में दी हुई है, ठीक है। अब ये हो गया 11 और ये हो गया 4x, ठीक है बच्चों। अब आयत की बाड़ की लंबाई कितनी होगी? आयत है उसका जो परिमाप है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 गुना लंबाई, लंबाई है 11x प्लस चौड़ाई है 4x, यानी कि 2 गुना 11 प्लस 4 हो गया 15x, यानी कि 30x। यह हो गई आयत की बाड़ की लंबाई यानी कि परिमाप, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, यदि 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए उनको खर्चने पड़ेंगे, इसका मतलब 100 रुपए खर्चते हैं तो 1 मीटर लंबाई जो है उस पर बाड़ लगती है। यदि 1 रुपया खर्चेंगे, एकक विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो 1/100 मीटर में बाड़ लगेगी। यदि 75,000 रुपए खर्चते हैं तो 1/100 × 75,000, इतने मीटर बाड़ की लंबाई लगाई जा सकती है, ठीक है बच्चों। अब इसको ध्यान से देखेगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, बाकी बच गया 750 मीटर। लेकिन ये जो है बाड़ की लंबाई आई 750 मीटर, लेकिन हमें जो लंबाई हमने दिखाई थी वो थी 30x मीटर, ठीक है। इसका मतलब 30x बराबर होगा 750 मीटर के, तो x आ जाएगा 750, 30 इधर गुना हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा भाग। इसे अब हम हल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 75 कट जाएगा, 25 × 75, तो x आ गया 25 मीटर। हमें निकालना है लंबाई और चौड़ाई, तो बाड़ की लंबाई, लंबाई किसके बराबर है देखो, ऊपर हमने लिखा था 11x मीटर, 11x यानी 11 × 25 मीटर, इनको गुना करो, 11×5 = 55, हासिल आया 5, 11×2 = 22 और 5 = 27, 275 मीटर आ गई बाड़ की लंबाई, सॉरी बाड़ की नहीं भूखंड की, जमीन के खंड की, भूखंड की।
इसी प्रकार से भूखंड की चौड़ाई यह बराबर है, हमने ऊपर किया था 4x मीटर, तो 4 गुना x, x कितना है 25 मीटर, 4 गुना 25, 25 चौके होता है 100 मीटर। तो इस प्रकार से हमने इस विधि से इस भूखंड की लंबाई निकाली है 275 मीटर और चौड़ाई निकाली है 100 मीटर। आशा करता हूं थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, समझने में कठिनाई आती है, लेकिन यदि आप इसको क्रम से करेंगे, समझदारी से धीरे धीरे समझकर स्टेप वाइज करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका अवश्य निकलेगा। हमने मान लो इसकी लंबाई चौड़ाई मानी, उसके हिसाब से आयत की लंबाई का फार्मूला लगाया, 2 गुना लंबाई + चौड़ाई, जिससे कि हमारे पास बाड़ की लंबाई आ गई 30x। हमें यह भी पता लगा कि 100 रुपए 1 मीटर के लिए, तो 1 रुपया 1/100, और 75,000 के लिए 1/100 × 75,000 यानी 750 मीटर, 75,000 में 750 मीटर बाड़ की लंबाई लगाई जा सकती है, ठीक है जी। तो लेकिन बाड़ हमारे पास कितनी थी 30x, इसका मतलब 30x बराबर होगा 750 के, यहां से हमारे पास x आया 25, उसके हिसाब से भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमने 11x को और 4x को में 25 भरकर निकाल दिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और यदि अच्छे से समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।